कार्य समिति है और क्षेत्र की कार्य समिति है, तो हम सब जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जब काम करते हैं तो प्रसिद्धि की अपेक्षा रहती है और प्रसिद्धि की अपेक्षा रखें तो प्रसिद्धि का जो तंत्र है मैं मंजू नगर से बात कर जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा लखी तो अवध क्षेत्र की जो मंडल के मंत्री का महामंत्री का उपाध्यक्ष का उनका परिचय करना। अभी गोदावरी जी ने वृत्त लिया कौन आया है कौन नहीं आया है, तो किस मंडल में कितनी उपस्थिति है, कौन नहीं आया है, तो उसको फोन पर बात करना कि क्या कारण है, आए नहीं आए, क्यों नहीं आए, और अगर हो सके तो समय हो तो उसके घर भी हो। तो वैसे भी आप पदाधिकारी हैं मंडल में, कोई कठिनाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यानी हम सब लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि मंडल के जो पदाधिकारी हमने बनाए हैं उस मंडल के पदाधिकारी को एहसास कराना कि आप मंडल के पदाधिकारी हैं। और जब आप एहसास कराएंगे बैठक में आएंगे, अभी हम सब लोग आए तो परिचय हुआ, परिचय हुआ तो जाने, और जाने तो उन वो बहनें भी जब आएंगी तो उनसे आपका परिचय होगा, जानेंगी, हम लोगों ने भी फूल देकर स्वागत किया, आप भी जाएंगे आपका भी स्वागत होगा। यानी सभी मंडलों में 10 से 16 के बीच में मंडल की बैठक होनी है, और अगर मंडल की यह बैठक होनी है तो 15 जिलाध्यक्ष और उस जिले के हर जिले में 2 महामंत्री हैं, तो 3 लोग हो गए तो 15 दिया 45, और क्षेत्र की पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य 30, तो कितने हुए 76 हो गए, तो 82 विधानसभाएं हैं, 76 लोग तो ये हो गए। यानी सबको जाना है, एक विधानसभा में जितने मंडल बनते हैं उन सभी मंडलों में बैठक लेकर के आना है। बची विधानसभाएं अभी कितनी, 6 बची हैं, तो लखनऊ भी छोड़ देंगे, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है नवरात्रियों की वजह से। आज रास्ते में एक पुल पर टूटा हुआ है, दूसरे पुल पर सफाई हुई, इसमें चुनाव समय है ना। राजधानी लखनऊ में आज क्षेत्रीय महिला मोर्चा कार्य समिति की एक अहम बैठक बुलाई गई, और बैठक में हमारे साथ महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं और विभिन्न जनपदों से अलग अलग जगहों से महिलाएं यहां पर शिरकत करने आई हैं, और बतौर उपस्थित गोदावरी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने शिरकत की है। और महिला मोर्चा के 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों की और 22 प्रकोष्ठ हैं, 18 प्रकोष्ठ और 22 विभाग है, सबकी कार्य समिति की बैठकें लगातार हो रही हैं, रोज 2-3-4 बैठकें हो रही हैं, वो सभी बैठकों में सब पूरी उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना आपकी बांटने की है अभी दीपावली त्यौहार पर, और भी क्या योजनाएं आपकी जो है, योजनाएं चुनाव पीरियड में बटेंगी। चुनाव पीरियड की कोई बात नहीं है, हम चुनाव को लेकर के कोई योजना नहीं लागू करते हैं, हम सप्ताह में साध नहीं मान करके जाते हैं, हम साधन मान सकते हैं, साधन मान करके सबकी सेवा करते हैं। कृष्ण रंग एक सवाल है जी, आने वाले चुनाव में महिलाओं की भूमिका क्या होगी? 50% की हकदार है, बताया तो अभी हमने मंच से 50% महिलाएं जी, वो बिल्कुल महिलाओं के साथ बहनों से मिल करके उनके चौके से दिल में उतर जाएंगी, और सभी महिलाएं इस समय उज्ज्वला गैस और तमाम ऐसी चीजें जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनसे लेकर के सभी प्रसन्न है गाँव में। मैं आपको एक उदाहरण नहीं दे पाया क्योंकि समय नहीं है और इस समय भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप गांव में जाइए और किसी गरीब महिला से पूछ लीजिए कि आप किसको वोट देंगी, जानते हैं क्या कहेंगी, मोदी जी को और फूल के बटन पर, इससे बड़ा और कुछ। आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को भी सम्मानित करने का आपकी, आंगनबाड़ी और आशा बहुएं हमारी ही बहने हैं, वो सेवा कर रही हैं, उनको कभी मौका नहीं मिला कि उनका सम्मान किया जाए, बहुत काम करती हैं, कम वेतन पर काम करती हैं, उनका ध्यान रखा जाए, ऐसी हमारी सरकार की है। अभी उनको टैबलेट मिला है, काफी उत्साहित हैं, टैबलेट मोबाइल जो भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे क्या नाम वो अपने आप को काम करने में, क्योंकि वो जाती हैं कई जगह, हर जगह जाना होता है, तो उससे उनका कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए उनको ये सब मुहैया कराइए, सरकार का काम है। धन्यवाद। इसमें कोई वोट, राजधानी लखनऊ में आज
क्षेत्रीय कार्य समिति महिला मोर्चा की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जहां पर क्षेत्रीय अध्यक्ष गोदावरी जी ने इस महिलाओं की कार्य समिति की एक बैठक ली। कई दिग्गज नेताओं ने, कई वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ शिरकत की। गोदावरी जी, प्रमुखता इस बैठक को किस तरह से हम देख सकते हैं? ये हमारी एक संगठनात्मक बैठक थी। हमारा जैसे प्रदेश और क्षेत्र और जिला और हमारा सेक्टर, हमारे मंडल और बूथ, इस तरह से हमारे संगठन की एक स्ट्रैटजी है आप कह सकते हैं, या एक संगठनात्मक ढांचा है हमारा। तो उस संगठनात्मक ढांचे में क्षेत्र की, आज की अवध क्षेत्र की ये बैठक थी। हमारा पूरा प्रदेश 6 क्षेत्रों में बटा हुआ है, उसमें अवध क्षेत्र हमारा सबसे बड़ा भी है और सबसे शायद यहाँ पर बहनें बहुत उत्सुक भी रहती हैं कि अपने क्षेत्र में जाकर काम करने के लिए। आने वाला चुनाव है 22, महिलाओं की भागीदारी किस तरह की होगी, किस तरह से महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, मतलब भूमिका क्या है, महिलाओं की हिस्सेदारी इस बार के चुनाव में किस तरह की रहेगी? नेतृत्वकर्ता महिला है, आप देख रहे हैं कि आपकी आज की बैठक में आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्षेत्र की पूरी टीम थी सदस्यों सहित, और यहाँ पर हमारी जिले की महामंत्री थी दोनों, और हमारी जिले की अध्यक्ष भी थी, और साथ ही साथ हमारी प्रदेश की सदस्य और पदाधिकारी भी यहाँ पर थे। तो वो तीन विंग एक साथ मिलकर इस कार्य को, संगठन को मजबूती देने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे, और जैसा हमारे वक्ताओं ने, हमारे अध्यक्ष ने और हमारे विधान परिषद सदस्य जी ने जो भी बातें यहाँ पर बताई, तो उन सारी बातों को देखते हुए सभी ने बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा लिया है, और ये नीचे जाएंगी जिले में और मंडल तक पहुँच कर और इस काम को आगे बढ़ाएंगी, इसी चीज़ों को। ये संगठन है जो इसको मजबूत हो रहा है। गोदावरी जी, अभी भी मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, आने वाले चुनाव में महिला प्रत्याशी कितनी होंगी, क्या कितने प्रतिशत महिलाओं को दावेदारी करने या टिकट मिलेगा चुनाव में? देखिए ऐसा है, ये एक कमेटी होती है, हर जगह किसी कार्य को करने के लिए समिति बनाई जाती है, तो ये तो वो समिति निर्धारित करेगी। बिल्कुल, देखिए महिला होने के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं को लीड कर रही हैं। नहीं तो महिलाओं को टिकट तो मिलेगा ही, मिलता भी है और मिलेगा भी, और जो जीत ये तो रहेगा ना, जो महिला सक्षम है, काम कर रही है, तो उसका बिल्कुल मिलेगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आज की बैठक एक संगठनात्मक तो थी ही, लेकिन क्या आने वाले चुनाव के मुद्दे से भी, नजर से भी हम देख सकते हैं? जी हाँ, तैयारी बहुत हमारी, पूरी तैयारी। तो ये थी हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष गोदावरी सिंह, जिन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव के लिए और कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भूमिका है उसको बढ़ाने के लिए आज ये बैठक की गई थी क्षेत्रीय कार्य समिति महिला मोर्चा की, जहाँ विभिन्न जनपदों से, अलग अलग जनपदों से महिलाओं ने शिरकत की। महिला नेता मधुलिका जी हैं, रीना जी क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रम के बारे में, महिलाओं की भागीदारी के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि 2022 के चुनाव में महिला मोर्चा की अति महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और चूँकि अभी शारदीय नवरात्र चल रहा है, ये शक्ति की उपासना का वो है, तो हम जो है शक्ति, चूँकि शिव भी हमारे बिना अधूरे हैं, तो ये महिला शक्ति जो है ये योगी जी का राज्याभिषेक करने के लिए एकदम तत्पर है, और 2022 में योगी जी का राज्याभिषेक होगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी सभी महिलाएं मिलकर आने वाले 2022 के चुनाव में महिला मोर्चा जिंदाबाद की तरफ से हम लोगों का एक ही नारा रहेगा कि योगी सरकार की चलिए। तो अभी जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जाने वाली हैं आप लोग पब्लिक के? पहले तो सारे जो प्रधानमंत्री की जितनी हमारे योजनाएं बनाई हैं वो घर घर पहुँचनी चाहिए, ये हमारा पहला मुद्दा है। उन तक सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका सबसे पहले पहुंचनी भी चाहिए। और महिला सशक्तिकरण जो इस बार हुआ है इस पूरे शासनकाल में प्रधानमंत्री का, तो महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं घर घर जाकर। महिलाओं से ये बात कर रहे हैं, मैडम क्या कहना चाहेंगे अच्छे कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम मेरा बहुत अच्छा हुआ है, और ये यहाँ पर सीमेंस में क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक है, जिसमें हमारे सभी ये पूरे जिले के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं और उनके महामंत्री आए हुए हैं, और हमारी क्षेत्र की टीम है और हमारी जिले की टीम है, जिसमें सभी आए हुए हैं, आमंत्रित हैं। तो किस तरह की चीज़ों को लेकर अब इस बार जनता के बीच जाएंगे, महिलाओं की भागीदारी पर किस तरह की बात हुई? महिलाओं की भागीदारी इस बार जोर शोर से रहेगी, और इंडिया को जिताना है तो जिताना है, मोदी की सरकार फिर से लाना है। किन मुद्दों को लेकर जाने वाली है जनता के लिए?
मुद्दा तो जनता के बीच बहुत है, लेकिन जो मेन है भी महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये मेन रहेगा हम लोग के लिए। ठीक है, हमारे साथ अवध क्षेत्र की मंत्री उर्वशी शुक्ला जी हैं, जो महिला मोर्चा से हैं, उनसे जानते हैं कि आज की बैठक के बारे में और महिलाओं की भागीदारी के बारे में उनका क्या कहना। मैम क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? देखिए, जैसा कि हमारी पार्टी में महिला सशक्तिकरण पे बहुत जोर दिया जा रहा है, तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जो है समझा है। हम लोग जो है मंडल, जिले और जो है प्रदेश में जो है जा जा करके जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, मोदी जी के कार्यों को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पार्टी के जो है कार्यों को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं और मोदी जी की योजनाएं जो खास करके जो है महिलाओं के लिए हैं, उनके लिए महिलाओं को जो है लाभान्वित कर रहे हैं। इस तरीके से जो है हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दायित्वों का जो है पालन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मोदी जी की योजनाओं को पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में महिलाओं की भूमिका रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी और बहुमत से रहेगी। तो हमारे साथ महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डिंपल दत्ता हैं और भी महिलाएं हैं, उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिनसे जानते हैं कि आज की जो बैठक महिला मोर्चा की बुलाई गई उसमें उनका क्या कहना है, आने वाले चुनाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किस तरह की महिलाओं की रहेगी। डिंपल जी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज की जो क्षेत्रीय कार्य समिति का जो उद्देश्य था, जहाँ हमारे पदाधिकारी सभी सम्मानित यहाँ पे थे, उनका कहना यही है कि आने वाले टाइम में चुनाव के लिए जो महिला मोर्चा का उत्तरदायित्व है कि जगह जगह पे जो मंडल बनाए गए हैं वहाँ जाके मंडल अध्यक्ष के साथ जाके उनका निर्माण करना, मीटिंग करना और आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्य में पदाधिकारी बनाते हुए उनको अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हुए हम साध्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे मैडम? मेरी तरफ से सबको नमस्कार, अभिनंदन। मैं डॉक्टर साधना जग्गी, मैं लखनऊ कैंट से हूँ, मेरे हस्बैंड सेना में कार्यरत हैं। हम लोगों को जो आज क्षेत्रीय कार्य समिति में संदेश दिया गया कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर 100 दिन है तो 100 काम, एक दिन भी फ्री नहीं रह रहा है। और मैं अपनी सभी महिलाओं को, अपनी सभी बहनों को, पूरे देश को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग लगातार कार्य करिए, केवल एक घंटा दिन में निकालिए और अपनी परिचित बहनों से मिलिए, उनको अपनी भारतीय जनता, देखिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो आज तक ना किसी ने किया ना कर पाएगा। अगर मैं योजनाओं के नाम लेने लगूँ तो बहुत अधिक हो जाएंगी, परंतु अपनी बहनों को, अपनी छोटी बहनों को, अपने परिचितों को, एक एक व्यक्ति को संदेश दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितना कार्य कर रही है और देश के लिए पूरी तरह समर्पित है। सेना के लिए बहुत कार्य किया, मेरे पति लगातार बॉर्डर पे रहे हैं 11 साल, जो फैसिलिटीज कभी भी नहीं थी, जैसे जूते थे, जैकेट्स थी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, इनका बहुत अभाव था पहले। अब एक एक जवान तक को ऐसे शूज मिले हैं जो वो बर्फ में चल सकें और बर्फ में वो लोग चल सकें, है ना, और बुलेट प्रूफ ऐसी जैकेट है जिससे हमारी बहनें, जिन बहनों के सिंदूर उजड़ जाते थे, एक केवल उस जैकेट से बच रहे हैं, आप सोचिए। और जो 370 हटी है, 35 से हटी है, वो छोटा कार्य नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नर के ADC थे और मैं वहाँ खुद 5 साल रही हूँ। मैंने वहाँ से यूनिवर्सिटी से पढ़ाया, वहाँ पहले पूछा जाता था जब हम लोग जाते थे बाजार में या ऑफिस में या मैं अपने कॉलेज में जाती थी कि आप हिंदुस्तान से कब आए, आज किसी की हिम्मत नहीं है। फहराया गया, बहुत मेरे दिल को सुकून मिला और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वही श्रीनगर है जहां हम लोगों से पूछा जाता था आप हिंदुस्तानी। साफ तौर पर 100 दिन 100 काम सौंपा गया है महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को। देखने की बात हो कि आने वाला 22 का चुनाव है, यूपी की जनता आखिर किसका साथ देगी। सहयोगी ब्रिजेश के साथ।